हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। दिस इज क्रेजी ब्रदरहुड। सो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं टांडा हॉस्पिटल। हिमाचल का दूसरे नंबर का हॉस्पिटल है ये, क्योंकि अगर सिविल हॉस्पिटल वगैरह से कभी भी रेफर किया जाता है तो सीधे टांडा के लिए किया जाता है, और टांडा से अगर रेफर मिलता है तो वो जाते हैं शिमला के लिए। वैसे तो भगवान करे कि किसी को यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी चलो, हिमाचल में इन चीज़ों की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो चलिए एक नज़र में हम भी देख लेते हैं अंदर से किस तरह से है। इस समय जो है वो मैं टांडा जो मेडिकल कॉलेज का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल मार्केट के बीच में खड़ा हूँ। आप साइड में मेरे देख सकते हैं, ये मार्केट का फुल नज़ारा है। खाने पीने के लिए यहाँ की फैसिलिटी मिलती है, और ये वाला रोड जो आप देख रहे हैं इसी रोड से, जो ये मेन जो है वो कांगड़ा वाले रोड से कहाँ पर आप आ सकते हैं। अगर आप इस साइड देखें तो ये वाला रोड जो है वो ज्वाला जी के लिए जाता है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाला जी जा सकते हैं। तो अभी चलते हैं और मेडिकल कॉलेज के अंदर और देखते हैं कि किस तरह से फैसिलिटी है। सो दोस्तों, चलते हैं टांडा हॉस्पिटल के अंदर, और यहाँ पे है जो है वो एक रास्ता जाने के लिए बढ़िया है, दूसरा आने के लिए। और साइड में आप देख सकते हैं बिल्डिंग जो है वो बहुत ही बढ़िया बन रही है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़ोरों पे चल रही है। दोनों साइड पे जो है वो काम चल रहा है, और गाड़ियाँ एक साइड में लगी हुई हैं, और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली टांडा हॉस्पिटल की जो स्थापना थी वो 1996 में हुई थी, और इससे पहले अगर इसका इतिहास जाने तो 1958 से शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पंजाब में हुआ करते थे। तो उस टाइम यहाँ पर सबसे पहले 1958 में टीवी यूनिट की जो है वो यहाँ पर स्टार्टिंग जो हुई थी, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे जो है वो बढ़ता बढ़ता गया। लेकिन हिमाचल में टांडा मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है वो 1996 में ही हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि हम पहुंचने वाले हैं जहां से मेन ओपीडी के लिए रास्ता जाता है। तो सबसे पहले पार्किंग ढूंढ लेते हैं गाड़ी लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ तो वैसे खड़ी नहीं कर सकते गाड़ी। तो यहीं साथ में देखो वाला पार्किंग के लिए है, तो देखते हैं हमें पार्किंग के लिए जगह मिल जाएगी। अगर यहाँ पे 10 रुपीज़ है टू व्हीलर का, और फोर व्हीलर का जो है वो 20 रुपीज़ है अगर थोड़ी देर के लिए आपको खड़ी करनी है। अगर फुल डे आपको खड़ा करना है इसको, तब फिर चार्जेस जो हैं वो 100-200 तक चले जाते हैं। जगह जो है वो हमें मिल गई है, और अभी पार्किंग से निकल के चलते हैं आगे। लंगर सेवा भी यहाँ पे लगी हुई है, देखो टांडा अस्पताल में सीता माता की रसोई लंगर सेवा। ऑटो भी आपको मेन मार्केट से मिल जाएंगे अगर आप बस से सफ़र करते हैं, क्योंकि मेन मार्केट जो है वो यहाँ से 100-200 मीटर दूर है। तो आपको वो ज़रूरी है कि आप इसके लिए ऑटो कर सकते हैं अगर पेशेंट ना पहुँच पा रहा हो यहाँ पर। यहाँ से जो है वो हम अंदर अब चलेंगे मेन कैंपस की तरफ, तो आप कैंपस भी देखते रहें यहाँ का। सरकारी दवाइयों की दुकान, तो चलिए अब चलते हैं मेन ओपीडी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये बैठने के लिए कैंपस है।
दोस्तों मेन कैंपस हमने देख लिया और अंदर से भी हमने देख लिया कि स्लिप कहाँ पे बनती है और बैठने की क्या व्यवस्था है। ये जो है वो ओपीडी के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी के लिए है तो जहाँ स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ से एंटर किया था तो यहाँ से ओपीडी के लिए जा सकते हैं। और इसी चौक से अगर आप सीधे निकल जाते हैं तो ये वाला जो है वो इमरजेंसी वार्ड के लिए जो है वो जाता है। तो इमरजेंसी में कभी भी ज़रूरत हो तो आप यहाँ से सीधे निकल के इमरजेंसी जो है वो आगे है। ये वाला जो गेट है ये है आपातकालीन इमरजेंसी के लिए। तो दोस्तों आपने पूरा कैंपस देख लिया और टोटल चीज़ें जो मैं आपको दिखा पाया वो आपने सबने देख ली। और इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद जो था मेरा वो आपको, अगर आप यहाँ से आते हैं तो कैंपस तक किस तरह से पहुँचना है, पार्किंग की व्यवस्था के लिए आपको जहाँ से मेन गेट से एंट्री लेनी है वहीं के सामने जो आपको है वो पार्किंग की सुविधा मिलेगी, और उसी के साथ जहाँ से आप एंटर होते हैं तो वहाँ पर आपको ओपीडी के लिए जाना पड़ेगा, और वहीं से अगर चौंक पर से वहीं से सामने अगर आप निकल जाते हैं तो आप इमरजेंसी के लिए पहुँच सकते हैं। और इसी तरह क्रेजी ब्रदरहुड के साथ आप प्यार बनाए रखें। दिस इज़ क्रेजी ब्रदरहुड। बाय बाय।